लाल मिर्च का अचार टोटली न्यू ट्रिक के साथ। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने मोटे वाले लाल मिर्च को ले लिए हैं और इसे धुलकर अच्छी तरीके से सुखा लिए हैं। अब इन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। इसमें अंदर मसाला भरने का बिल्कुल झंझट नहीं। इन मिर्चों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए काटा है ताकि एक बार में एक पीस निकालकर आराम से इस्तेमाल कर सके। आइए अब इन सब के मसाले तैयार कर लेती हूँ। ये सब मसाले मैंने लिए हैं, आपको दिखा दूं। ये साबुत जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है, ये पीला सरसों है और ये राई है, जस्ट इसका आधा मैंने लिया है, और चार पांच रेड चिली सूखी हुई मैंने ली है, और ये सौंफ है, ये जीरा से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है, और ये साबुत धनिया है, और हाफ स्पून के आसपास मैंने मेथी दाने को लिया है। आइए अब इन सबको हल्का हल्का रोस्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है ताकि ये अपना फ्लेवर रिलीज कर दे। चलिए धीमे आंच पर इसे रोस्ट करती हूँ। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें हाफ स्पून मैंने मेथी सीड्स भी डाली है, शुरू में बताना भूल गई थी। अब इसे एकदम से लो मीडियम टेम्परेचर पर इसे हमें बस गर्म भर करना है ताकि ये अपना खुशबू रिलीज कर दे। ये पटपट का साउंड आप सुन सकते हैं। अब इससे ज्यादा हमें नहीं भूनना है, बस ये हो चुका है। अब इसे हम लोग दरदरा पाउडर कर लेंगे। अब इसे हल्का सा ठंडा कर लें, तब इसे मिक्सी में डालें दोस्तों, नहीं तो आपकी मिक्सी खराब हो सकती है। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसके पाउडर बना लेती हूँ। सारे मसालों को हमने पाउडर के रूप में कर लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत बारीक मैंने नहीं किया है, ऐसे ही हमें चाहिए था। अब चलिए अचार की तरफ चलते हैं। ये मिर्च तो आपने देखा ही कि जो मैंने कट कर लिया है। ये मसाला अभी रोस्ट करके मैंने पाउडर किया है। और भी मसाले हैं, जो जो भी मैं इसमें डालती जाऊंगी सब आपको बताती जाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, इन सब मसालों में मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने डाला है। अभी जो रोस्ट किया था मैंने सारे मसाले, उसका पाउडर है, थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर भी डाली है, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, सिर्फ कलर आने के लिए है। ये आमचूर पाउडर है, ये सॉल्ट है, ये काला नमक है, हल्दी है, थोड़ी सी मैंने सरसों तेल भी डाला है, थोड़ी और डालूंगी। ये मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती है, करीब 250 से 300 ग्राम के आसपास मैंने डाला है, फिर कम लगेगा तो फिर मैं डालूंगी। अब इन सब को मैं मिला लेती हूँ। इन सब को बराबर से चलाते हुए मिला लेती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, इन सब को मिलाने के बाद इसमें मैंने अभी डाला है थोड़ी सी अजवाइन आधा चम्मच के आसपास और थोड़ी सी मंगरेला। इन सब को और फिर से मिला देती हूँ। सारे अचार को मैंने मिला लिया है, अब इस जार में शिफ्ट कर देती हूँ। सबको मैं डाल लेती हूँ पहले, तो फिर आगे का वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जितना इस जार में आया मैंने रख डाल दिया है। ये भी चाप चाप के मैं हटा दूंगी। अभी तेल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ये जैसे जैसे धूप में दिखाएंगे और गलते जाएगा तो तेल ऊपर की ओर आते जाएगा। तीन से चार दिन तक इसे कड़क
धूप दिखाकर आप खाना शुरू कर सकते हैं। अगर 20-22 दिन कड़क धूप में रख देंगे तो ये साल भर के लिए भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बिना झंझट लाल मिर्च का अचार घर पर ही बड़ी आसानी से कैसे बनाएं, ये आज मैंने आपको बताया। ये बिल्कुल नई ट्रिक है दोस्तों, इसे आप भी अपने घर पे आजमाएं और मजे ले लेके खाएं। मेरे इस वीडियो पर अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।